अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशु मलिक है, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से, और जितने भी हमारे साथी फेसबुक पेज पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ गए उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जो नहीं जुड़े हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। तो प्यार भरी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। आज मैं आया हूँ, ये सराय बंजारा रिवने वाला साइफन है, और यहाँ के बारे में आज मैं आपको ड्रोन से भी दिखाऊंगा। अंडर वाटर हमारे जो साथी गोताखोर उसको भेजूंगा, वो सारी लोकेशन दिखाऊंगा। हमारा गोताखोर रेडी हो गया है, ये देखो सिलेंडर हमारा तैयार है। इसके बाद उसे अंदर भेजने की तैयारी हो रही है। और आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना, वीडियो के अंत तक बने रहना। बाकी बातें दोस्तों हम वीडियो के अंत में करेंगे। चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने ड्रोन को रेडी कर रखा है, उसको उड़ान के लिए तैयार करते हैं। तो दोस्तों हमारा ड्रोन उड़ने के लिए तैयार है, और ड्रोन की जो तैयारी है वो चल पड़ी है। अब हम आपको दिखाएंगे कैसे हमारे जो गोताखोर है वो पानी के अंदर जाएगा, क्योंकि ना जो खूबसूरती है ड्रोन की ऊपर से दिखती है, ऐसे लगता है जैसे हेलीकॉप्टर से बंदा बैठा हो, नज़ारे देख रहा हो। अब हमारा गोताखोर बैक स्लिप जंप करेगा, अब आपको हम वो जंप भी दिखाएंगे। और ये एक अजूबा समझ लो, नहर के ऊपर से नहर निकल जाना। और यहाँ हमारे गोताखोर रेडी हैं इस काम के लिए। और सामने ले आओ भाई ड्रोन को, एक बार यहाँ पे हमारे सामने ड्रोन को ले आओ। और ड्रोन उड़ाने के लिए हमारे जो बेटा है समीर मलिक वो हमारे साथ है। आगे ले आओ बेटा ड्रोन को, बैक स्लिप जंप जो है हमारे साथी जो गोताखोर हैं अब आपको करके दिखाएंगे यहाँ से। और पानी बिल्कुल खड़ा हुआ, नहर बंद है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, यहाँ से जो अगला पुल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये देखो अब हमारा जो गोताखोर है बैक स्लिप जंप करेगा, आप आपको दिखाएंगे देखो कैसे बैक स्लिप जंप करते हैं। ये देखो, ये जानकारी अंदर से प्राप्त करेंगे कि अंदर की जो जानकारी इस टाइम पानी रुकने के बाद क्या, क्योंकि यहाँ पर कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर गोताखोर नहीं जा सकता। अब पानी रुका हुआ है तो इसलिए हमारा जो गोताखोर है वो अंदर जाके देखेगा कि कोई पेड़ तो नहीं अड़ा हुआ है, क्योंकि ताकि कई बार कोई डेड बॉडी ना फंसी हो। तो वो चीज़ें हम सारी चेक करने के लिए सादिक गोताखोर को अंदर पानी के अंदर भेज रहे हैं। रेडी है भाई सादिक? तो हमारा गोताखोर दोस्तों रेडी है जंप के लिए, ऑल द बेस्ट। ओके, ये देखो कितनी खूबसूरत जंप हमारे गोताखोर ने की है। ये देखो अब यहाँ से जो हमारा गोताखोर है अंदर पानी के अंदर जाएगा, और अंदर की जो सारी चीज़ें हैं जो बेहद खूबसूरत चीज़ें हैं वो सारी अंदर से अब देख के हमारा गोताखोर अंदर करेगा। अब हम सारा पुल दिखाएंगे अब आपको बेटा, वहाँ से पुल दिखा दो सारा। अब हम लंबी उड़ान के लिए अभी सारा पुल आपको दिखा रहे हैं ग्राफरी के ज़रिए, ड्रोन के ऊपर ये चीज़ें कैसे लगती हैं। देखो कितना खूबसूरत बेहद नज़ारा है, ये सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही दिखाएंगे वो पुल जहाँ पे काम चल रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं उस जगह पे भी वो चीज़ें हम दिखाएंगे। हमारे जो गोताखोर हैं वो तो अंदर चला गया, काम कर रहा है वो भी। और अब आपको हम वो चीज़ें भी दिखाएंगे जहाँ पे आगे हम मज़दूर काम कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों अब वो चीज़ें हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देखना कैसे है, किस तरह हैं, क्या बेहद खूबसूरत नज़ारा। ये देखो ये सारे खेत नज़र आ रहे हैं अब आपको, ठीक है, ये खेत हैं सारे, ये नहर है हमारी भाखड़ा, आ गई सामने नहर। अब ड्रोन जा रहा है उस साइड जहाँ पे सारा काम चल रहा है, ये चीज़ें सारी ड्रोन कवर करता हुआ जाएगा। ये देखो ये हमारा अंडरग्राउंड साइफन आ गया, ये देखो वो सामने जो हेड है उस हेड से आगे पानी नहीं है दोस्तों, अभी आपको दिखाई देगा आगे पानी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ना पानी बहुत कम है, वहाँ से गाटर बंद हुए हैं। आपने इस नहर को अक्सर देखा होगा कि इसके अंदर पानी फुल रहता है, अभी भी आपको पानी फुल लग रहा होगा, लेकिन अब जब आगे जाओगे देखो आगे पानी नहीं है, वो देखो आगे नहर खाली है, लोग काम कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, देखो ये रहा हेड बंद है, तीनों गाटर ज़मीन के ऊपर लगा रखे हैं, देखो तीनों फाटक ज़मीन के ऊपर लगा रखे हैं। ये देखो काम चल रहा है, आगे पानी है ही नहीं नहर में। और ये खूबसूरत बेहद नज़ारा जो है आपने पहली बार
ड्रोन के जरिए। ये देखो, देखा होगा, ये देखो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखो ये है वो पुल, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पानी नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी। आप देख रहे हो पौड़ियाँ बिल्कुल नीचे है, पानी नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो बस 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 यहीं से दिखाओ, पानी नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी। और अब हम आपको वापसी का दिखाएंगे। बेटा ऊपर उड़ान भरो, ऊपर ऊपर उड़ान करो। हाँ ये देखो, अब चलो आगे, बस इतनी भी। अब ये इस जगह पे पानी है दोस्तों, देखो ये बेहद जो खूबसूरत नज़ारा है हम आपको दिखाना की कोशिश कर रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ से पानी जाता है नीचे की तरफ, दिल्ली हरियाणा राजस्थान, ये सब पानी नीचे चला जाता है। और इस टाइम ये नहर बंद पड़ी है क्योंकि इसको रोका गया है पानी को यहाँ पे, ताकि आगे काम चल रहा है नहरों की। क्योंकि ना आपको पता है बाढ़ आई थी और कई जगह से यानी 20 से 25 जगह से नहर टूट गई है, जहाँ पर रिपेयरिंग चल रही है अभी फ़िलहाल तौर पर। और ये हमारी नहर के ऊपर नहर अंडरग्राउंड साइफन आ गया। अब हम ड्रोन को उतारने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे हम आपको। ये देखो यहाँ पे हम आ गया ड्रोन, अब यहाँ पे ड्रोन लाएंगे। आ जाओ बेटे यहाँ पे, आ जाओ इधर आ जाओ। अब हम ड्रोन को उतार रहे हैं दोस्तों। ये जो बेहद खूबसूरत नज़ारा है ड्रोन का, इसके ज़रिए हमने आपको दिखाया, ऐसे लगता है जैसे कोई बंदा हेलीकॉप्टर से आपको दिखा रहा हूँ। और ये वो ड्रोन है जो हमारे सम्मी भाई ने डोनेशन किया था अमेरिका से, और उसी से हम अपना काम कर रहे हैं सारा। ले आओ बेटा नीचे, ले आओ ले आओ ले आओ नीचे। ये देखो ये ड्रोन है हमारा, बेहद खूबसूरत नज़ारे से हमने इसको बनाया और वीडियो को बड़ी खूबसूरत तरीके से हमने आपको दिखाया। तो इसी तरह के दोस्तों, ऊपर करो बेटा थोड़ा सा। तो ये वो ड्रोन है जो हमारे सम्मी भाई ने अमेरिका से भेजा था, और उन्होंने एक GoPro कैमरा भेजा था जो अंडर वाटर कैमरा था। और ये चीज़ें हम प्यार भरे वीडियो आपको अपने ड्रोन से, कैमरों से, जगह जगह से हम दिखाते रहते हैं, ताकि थोड़े से ऊपर करो थोड़ी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। और ये जानकारियाँ नहरों की हम इसलिए देते हैं आपको, इससे ग्राफरी इसलिए दिखाते हैं कहाँ कहाँ से नहर कच्ची होती है, कहाँ कहाँ से बाढ़ आने का अंदेशा होता है, कहाँ कहाँ से पानी आ सकता है, ये सभी चीज़ें हम आपको दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हो, ताकि हमारी जो नॉलेज है, जानकारी है, वो दूर तक सभी गोताखोर तक पहुँच जाए। वो हमारा गोताखोर भी बाहर आके दिखा दे बेटा, वो देखो सामने हमारा गोताखोर भी आ गया बाहर, सादिक। और देखो दिखा दे बेटा सादिक के पास, वो गोताखोर भी हमारा बाहर आ गया। मिला सादिक भाई कुछ? अच्छा हाँ हाँ, तो गंद ज़्यादा है नीचे। ये पानी रुका हुआ है, आगे ना वो लगा रहे हैं ना गाटर। ओके 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 ओके। तो जानकारी जो है हम वो आपको प्राप्त करवा रहे थे, पीछे लो जो जानकारी है वो हम आपको प्राप्त करवा रहे थे, किस किस तरीके से नहरों के अंदर गंद कूड़ा करकट है, जो हमारा गोताखोर अंदर जाके वो सारी चीज़ें चेक करके आया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहना, और वीडियो के बारे में बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। और ये जानकारी है हम आपको अपने ड्रोन के जरिए दिखा रहे थे। तो कल फिर एक नए वीडियो के साथ और एक नई कहानी के साथ मिलेंगे दोस्तों। आज की वीडियो करते हैं अलविदा।